दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका बिनर्जी ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भगवान की कृपा से अच्छे हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते बिंदास रहिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो साल के बाद इस बार रथ यात्रा हो रहा है। दो साल का जो गैपिंग इस बार काफी जो है ना कुछ हर्ष उल्लास जो काफी बड़ी धूमधाम से मनाने वाला है। इस बार हम लोग का सरायकेला में भी हो रहा है, तो आप सभी लोगों को इस बार सरायकेला का नजारा देखने के लिए मिलेगा कि हम जा रहे हैं सरायकेला, और सरायकेला में जो थाना के बगल में जो रथ यात्रा हो रहा है वहाँ का नजारा आप सभी लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, सारा इस वीडियो में कवर किए जाएंगे कि किस प्रकार हो रहा है और क्या क्या सुविधा है और कौन सी जगह हो रहा है, आपको सारा इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। हेलो दोस्तों, अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सरायकेला। ये आपका सरायकेला थाना के सामने लग रहा है, ठीक है। ये हर साल होता है, हालांकि दो सालों से नहीं लगा था कोविड-19 की वजह से। इस बार दो साल के बाद लगा है, जो कि काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी औसम लग रहा है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं, ये जगह इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है। और इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं फाइनली अंदर की तरफ, ठीक है। जो कि थाना के जस्ट बगल में जो मंदिर है उसी में पूजा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसे वीडियो पे एंड तक बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। कम ऑन लेट्स गो। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अभी ये गेट है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गेट है, गेट के सीधा आप आइएगा, मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये साइड में, ठीक है, इधर। और इसी में पूजा होता है, ठीक है। और ये जो बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इधर सभी जो भगवान श्री हरि का जो जितना भी रूप है, वो रूप का एक अलग से मूर्ति बनाया गया है और मूर्ति की अलग अलग जगह पर रखा गया है, ठीक है। आइए चलते हैं, आपको उसके सामने लेके चलते हैं और उधर आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इधर इस प्रकार मूर्ति मत्स्य रूप, इसका जो मत्स्य रूप है इसका मूर्ति बनाया गया है, ठीक है। और आगे भी बनाया गया है काफ़ी, इसका जितना भी जो भगवान श्री हरि जो रूप लिए थे, जो उसका जो लीला में, वो सारा रूपों का यहाँ वर्णन किया गया है। एक एक करके सारा इसका जो मूर्ति बनाया गया है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये आपका कुरमु अवतार, यानी जो कि कछुआ का अवतार, जो समुद्र मंथन के समय जो इसका जो रूप लिया था उसी का रूप है, ठीक है। आइए चल रहा नंबर पे, ये आपका नरसिंह वाला रूप है, ठीक है, जो कि नरसिंह अवतार लिया था, जो कि इसको जो बचाने के लिए जो रूप लिया था, और उसका जो पिताजी जो मारने का, तो उसी में जो नरसिंह का रूप उसको लेना पड़ा था, जो कि काफ़ी औसम है। सबसे जो कि औसम जो देखने के लिए मिलता है वो नरसिंह रूप में ज़्यादा प्रभाव हुए हैं सभी लोग। और उसके बाद आपका इस जब ब्राह्मण का जो रूप लिए थे, ब्राह्मण का रूप लिया था, जो बामन अवतार, जो कि बामन अवतार लिए थे, जो कि तीनों लोग का जो धन संपत्ति जो लूट गया था, उसके बाद फिर उसको रिकवर करने के लिए ये ब्राह्मण का रूप लिए थे, ठीक है। जो बलि नाम का एक असुर आता था, उस असुर के पास इतना शक्ति था कि उस सारा तीनों लोग को एकत्रित किया था, जितना भी जमीन ज़्यादा था उस अपने ऊपर कब्जे किया था, ठीक है। तो उसको लाने के लिए वो ब्राह्मण यानी बामन का अवतार लिया था, तो ये है उसका बामन का अवतार। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे तरफ, ठीक है। और यहाँ उसका जो विराट स्वरूप का जो रूप है, जो कि सबसे गजब का माना जाता है, ये आपका उसका विराट स्वरूप का जो अवतार है, ठीक है, जो कि जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये आपका बच्चों को देख पा रहे हैं कि ये परशुराम जी का रूप है। और आप सभी लोग शायद कृष्ण लीला में देखे होंगे कि किस प्रकार ये जो भगवान श्रीहरि हम लोग का जो कितना रूप लिए थे, ये सारे रूपों का जो इसका वर्णन है, ये रथ यात्रा के दिन उसका सारा जो उसका जो रूपों का पूजा किया जाता है, ठीक है। और ये उसमें से एक जो क्रांतिकारी के रूप में जो परशुराम अवतार लिया था, जो कि काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है, और भगवान शिव ने उसको अपना एक जो कि देवता असुर लोग को मारने के लिए अपना जो एक धनुष और एक फर्स भी दिया था, जो कि एक एक करके उसको गर्दन में काट के ख़त्म करते थे। और साथ में उसका श्रीहरि का जो ये आपका राम रूप है, ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं ये राम रूप है। और राम रूप के बारे में कौन नहीं जानता, हम लोग का इंडिया में तो
राम का राज है, तो राम जो रामायण जो भी देखे हैं उसको, हालांकि जितना भी हिंदू है हम लोग का हिंदू भाई, हालांकि मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं राम के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो शायद वो इंडिया का आदमी नहीं है, अगर इंडिया का आदमी है तो जानेगा राम के बारे में, ठीक है। तो ये उसका राम रूप है, मैक्सिमम आप सभी लोगों को मैं जितना भी उसका रूप है वो रूपों का मैं आपको बता दिया हूँ। तो आइए चलते हैं आगे, और उसका जो मंदिर है जहाँ पूजा किया जा रहा है, ठीक है, उस मंदिर पे हम लोग चलते हैं और जाके वहाँ दर्शन कराएंगे आप सभी लोगों को कि किस प्रकार पूजा किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी से वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, ओके। साइड में इसका जो मंदिर है, इस साइड में जो बनाया गया है इसी में उसका जो पूजा किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, और अंदर देख के आप सभी लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार पूजा किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे वीडियो पे अंत तक बने रहिए। दोस्तों यहाँ जो मंदिर के अंदर में कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इधर भगवान श्रीहरि का पूजा किया जा रहा है और इधर बरांडा जैसे बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो मेन पूजा होता है यहीं पे होता है, ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। इसी के अंदर में जो तीनों बलभद्र, श्रीहरि और उसका जो बड़ा भैया, वो तीनों यहाँ बैठे हुए हैं और इसमें उसका पूजा किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। ये 2 साल के बाद इस बार हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, और क्योंकि इससे पहले जो 2 साल जो गैपिंग हुआ वो COVID-19 की वजह से गैपिंग हुआ, अदरवाइज आपको हर साल होता है। तो इस साल कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है, तो काफ़ी भक्तों के साथ जो उल्लास है, जो पूजा करने का जो इच्छाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज हम 2nd दिन में आए हैं, जो कि जिस समय लाया जाए उस समय हम आने नहीं सके। दोस्तों ये सरेकला में जो रथ यात्रा हो रहा है, जो इस मौके पे इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ के साथ आपको बहुत सारे खिलौने भी देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ झूला भी काफ़ी ज़्यादा निकाला है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। इधर बैठने बच्चे का बैठने का जो खिलौना है इसमें निकाला गया है, और इधर आपका जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार निकाला गया है, और झूला भी आया हुआ है, और झूला भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अभी थोड़ा देर के लिए बंद है, ठीक है, कल इसमें कुछ ज़्यादा भीड़ था, आज थोड़ा इससे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस बार मेला जो लगा था इस बार अभी कंटिन्यू चलेगा, कुछ दिन 6-7 दिन चलेगा, अभी तो फिलहाल हम लोग श्रीहरि ये हैं, अब फिर रिटर्न आएंगे, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, तो दोस्तों उस समय भी आपको वीडियो मिलेगा। और आइए जब भी आइएगा आप सीधा सरेकला का जो कोर्ट है, कोर्ट के सामने जो थाना है, थाना के जस्ट बगल में एक मंदिर है श्री जगन्नाथ मंदिर जी का, इसी में पूजा हो रहा है, आप जब भी आइएगा यहाँ दर्शन करके जाइएगा, ठीक है। और ठीक उसी के सामने ये खिलौना वगैरह सब लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अभी हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और शेयर करने से क्या होगा, जो भी दोस्त नहीं देख रहे वो घर बैठे देख सकते हैं, श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस जगत के पालनहार है, उसका दर्शन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, और जिन दोस्तों ने चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे रिलेटेड वीडियो प्रदान की जाएगी। दोस्तों ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।